बच्चों, जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास सिक्स के अंदर अपने 3.5 प्रश्नावली अपने स्टार्ट हो चुकी थी। 3.5 के अंदर अपने दो क्वेश्चन मैंने बता दिए थे, ए और बी मैंने आपको दिया था होमवर्क में। अब आपका इसका आता क्वेश्चन नंबर 3, देखिए एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं है। ये करें एक भाज्य संख्या, एक भाज्य कोई संख्या होती है, भाज्य संख्या मान लो मैंने 4 लिखी। अब इसके तो टुकड़े होते हैं, देखो 4 दो के पारे में आता है, 2 से दिया 1 हो गया। तो ये कह रहा है भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड किन गुणनखंड को सम्मिलित नहीं है, यानी एक कोई भाज्य संख्या होती है उसमें किसको सम्मिलित नहीं करेंगे। अभाज्य संख्या के किन गुणनखंड, यानी अभाज्य वाली कौन सी संख्या नहीं है, एक तो एक नहीं लेंगे, एक नहीं लेंगे और वो स्वयं संख्या नहीं लेंगे जो 4 आती है। क्या थी? एक और स्वयं वह संख्या। तो इसका आंसर यह आएगा, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आंसर आपको केवल यही लिखना है, एक और वह स्वयं संख्या। इसका आंसर यही है आपको, एक और वह स्वयं संख्या। स्वयं का मतलब वो खुद जिसका हम कर रहे हैं, यानी वो नहीं आ सकती। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का केवल इतना सही आंसर है आपके। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देखे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है और उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में भी व्यक्त करना है आपको। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी, आपको पहले छोटी क्लासों से क्वेश्चन चलता हुआ आ रहा है, ऐसा कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो लिख लो आप। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो आपकी होती है 9, 9, 9। कितनी होती है? 9, 9, 9, 9। 4 अंकों में सबसे बड़ी संख्या 9999। ठीक है, अब 9999 इसका अभाज्य गुणनखंड करने, तो टुकड़े करेंगे आप ऐसे करेंगे, सबसे पहले 3 का देंगे इसमें, 3, 3, 3 और 3, फिर 3 का दे देंगे 1, 1, 1 और 1। अब किसका जाएगा? 11 का दे देते हैं, 11 कम 11 फिर 0 लग जाएगा, फिर 1, फिर 101 का देंगे क्योंकि 101 में आता है, तो 1 बन गया। तो इसके भाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 3 × 3 × 11 × 101 आ गया। तो इसका आंसर ये निकालना था आपको, जो सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों में जो सबसे बड़ी संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना, तो वो हमारा व्यक्त हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसी प्रकार 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या होगी 10,000 होगी। कितनी होगी? 10,000 होगी। फिर उसके भी अभाज्य गुणनखंड ही करेंगे हम, क्वेश्चन में जो 5 है उसमें आपको ये करना है, 10,000 होगी हमारी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ये। ठीक है, अब इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लो, सबसे पहले 2 का देंगे, 2 × 5 = 10 और पीछे 4 × 3 = 0 लग जाएंगे, फिर 2 का देंगे तो भाग देते चलना है, मैं सीधा कर रहा हूं, आपको भाग दे दे के नहीं आता तो सीधा भाग दे दे के सोल्व कर लेना। तो 2 का भाग देंगे तो 5,000 का आधा होता 2,500, फिर 2 का भाग देंगे इसमें, ऐसे भाग देना ध्यान रखना, 2,500 में 2 का दिया, 2 × 1 = 2, 5 उतर गया, 2 बार जाएगा 4, 1 आ गया, पीछे 0 लग जाएगा, 5, 10 हो गई, 1 0 बच गए, 1 0 आंसर मार जाएगा, ये आ जाएगा 12,500, 1250 आ गए। फिर 2 का देंगे तो 625 आएगा। अब ये 5 के पारे में ही आता है, 625 किसमें आता है? 625 है वो 5 के पारे में आता है, 5 से दे देंगे 125 आएगा, फिर 5 से देंगे 25 बार जाएगा, फिर 5 का देंगे 5 बार जाएगा और 5 का देंगे 1 बार जाएगा। तो इसके टुकड़े हमारे ये हो गए, क्या आ गए? ये टुकड़े हो गए,
दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो इंटू पांच इंटू पांच इंटू पांच और इंटू पांच, ये आंसर आ जाएगा इसका। तो हमें सबसे छोटी संख्या पांच अंकों की छोटी सबसे छोटी संख्या लेनी थी और उसके अभाज्य गुणनखंड करने थे। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन नंबर पांच आपके हो गए। अब आपके आता है क्वेश्चन नंबर छह, देखो पढ़ के बता रहा हूं। 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी उसका भी आपको अभाज्य गुणनखंड ही निकालना है, ठीक है, और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों के में यदि कोई संबंध हो तो लिखिए, यानी कोई दो गुणनखंड आएंगे उसमें कोई संबंध आ रहा है क्या, तो वो भी निकाल के बताना है, ठीक है। एक तो आरोही क्रम में भी लिखेंगे और उसको वो भी करना है आपको। क्लियर हुआ? तो 1729 दे रखा है, बता देता हूं कैसे करना है आपको। तरीका तो यही लगेगा, बस भाग दे दे के देखना पड़ेगा। अभाज्य संख्याओं से भाग देखते हैं, अभाज्य संख्या हमारी है 2, 3, 5, 7, इसी का भाग देख के देखते हैं। कोई अलग से संख्या नहीं लेनी है आपको, अभाज्य संख्या ही लेनी है आपको और उसी का भाग देंगे आप। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए, ये देर की 1729, तो इसके आपको भाग देना आपको, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखो दो से स्टार्ट करते हैं, तो दो का तो जाएगा नहीं, पीछे नौ है, तीन के लिए हम जोड़ के देखते हैं। जोड़ के देख लो, 7 + 8 = 8, 2 + 10 = 10, 9 = 19, तीन के पड़े 19 नहीं आता, तो चार का तो देंगे ही नहीं। मैंने कहा अभाज्य संख्या होती उसी का देते हैं, अभाज्य संख्या होती 2, 3, 5, 7, ठीक है। तो दो का नहीं गया, तीन का नहीं, पांच तो जाएगा नहीं, क्योंकि पीछे जिस संख्या के पीछे पांच, मैंने आपको बता दिया भाज्यता का नियम समझा दिया था, जिस संख्या के पीछे जीरो और पांच होगा वही पांच से जाएगी, तो नहीं जा रहा। अब सात से देंगे और ये सात से जा रही है, यहां भाग देके देख लो, 7 × 14 = 3, 2 × 7 = 28, 4 × 9 = 57, 2 = 47, ठीक है। फिर बांट देंगे हम, अब सात का नहीं जा रहा तो आप किससे कर देखो, देखो सात के बाद में क्या आता है, सात का जा रहा है कि नहीं जा रहा, सात के बाद में सीधे ही आपके आएगा नौ, आठ से नहीं जाएगा नौ, ग्यारह से जाएगा, ग्यारह से जा रहा है कि देख लो, ग्यारह 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 दो बाईस नहीं जा रहा, तो तेरह से देख लेंगे, तेरह से जा रहा है इसमें, तो तेरह का दे दो, 247 में तेरह का देंगे, 13 × 13 = 24 में से 13 गए, 4 में से 3 गए, 1 और 1 और 7, 13 के पार में 117 नौ बार बोलने पर, तो 117 आ जाएगा, 19 इसका आंसर है। फिर 19 का देंगे 1 आ जाएगा, तो 7 × 13 × 19 इसका आंसर है, क्या आया, 19। और इसमें लिखा होता आरोही क्रम में लिखो, तो आरोही क्रम में है, देखो सबसे पहले छोटी संख्या आई, फिर उससे बड़ी आई और उससे बड़ी आई। अब इसमें संबंध पूछा है, तो देखो संबंध में क्या आ रहा है, देखो 13 में से इन दोनों का अंतर कर ले, 13 और 7 का अंतर करेंगे तो 6 आएगा, 19 और 13 का करेंगे अंतर तो भी 6 ही आएगा, यानी अंतर समान आ रहा है, क्या आ रहा है, अंतर समान आ रहा है, ठीक है। तो आप लिख देंगे कि ये पूछ रहे कि अभाज्य गुणनखंड दो क्रम क्या संबंध है, तो लिखिए, तो आप लिख देंगे अंतर समान है, अंतर समान है। क्लियर हुआ? तो आपको ऐसे करना था आपको क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब आपके आता है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से भाज्य, तीन क्रमागत, तो क्रमागत कोई भी संख्या लेंगे जो 6 से भाज्य होगी वो देखनी है। तो इस कथन कुछ उदाहरण द्वारा, यानी कोई आपको उदाहरण लेना है, ठीक है, तो उदाहरण लेके हम बता रहे हैं कि कौन सी वो संख्या आपके हो सकती है। तो
और कर्मागत है यानी लगातार लेनी है, छोड़ के नहीं लेनी, बीच में कोई एक संख्या छोड़ दो तो छोड़नी नहीं, लगातार लेनी है। तो लगातार लेनी है तो उसका आंसर ये होगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, तो देखो दो उदाहरण मैं बता रहा हूं कौन कौन से लेने हैं। कर्मागत है, जैसे दो ली एक हमने, एक नहीं लेंगे दो सिस्टर, दो ली तो उससे अगली वाली संख्या क्या आती, दो के बाद क्या आता है तीन ली, फिर उससे अगली संख्या आती चार। अब ये सबका गुणा कर लो, दो दिया छह, छह चौके चौबीस, अब चौबीस आई। वो जो संख्या है छह के पारे में देखो चौबीस आता है, यहां लिखा ना छह से विभाज्य है, तो छह से विभाज्य है तो आप लिख देंगे छह से विभाज्य हो गया। एक लिख ली, एक और उदाहरण दे दो इससे जस्ट अगला लिख लो, पांच, पांच के बाद छह इंटू सात गुणा कर लो, पांच अंक तीस, तीस को सात से करेंगे 210, तो देखो 210 भी छह से विभाज्य होगा, अगर बाहर देख के देखेंगे तो छह का भाग जाएगा और ये भी छह से विभाज्य होगा। तो यहां पूछा गया तीन कर्मागत, कर्मागत का मीनिंग होता है क्रम वाइज होनी चाहिए, कोई भी आप तीन संख्या लगातार वाली लेंगे, छोड़ के नहीं लेंगे, कभी आप छोड़ दो के बाद छोड़ दिया चार ले लेंगे, कर्मागत यानी लगातार दो तीन चार की गुणा कर रहे हैं। फिर देखो अगले वाले एक उदाहरण लिया है पांच छह सात, तो दो उदाहरण लिए हमने एक और ये, तो दो उदाहरण हमने लेके आपको समझा दिए। अब आगे ये दो कर्मागत विषम संख्याओं का योग दे रखा है, ये कह रहे कि दो कर्मागत यानी कर्मागत विषम संख्याओं का योग है वो चार से विभाज्य है, तो कुछ उदाहरण देखकर समझाओ। यानी दो कर्मागत विषम संख्या लेनी है आपको, कौन सी लेनी है, विषम संख्या लेनी है, तो दो क्रमागत विषम संख्या ले लो का योग चार से विभाज्य, तो कुछ उदाहरण तो ले लेते अपने कोई क्वेश्चन पर आठ कर लेते क्वेश्चन पर आठ, दो क्रमागत जैसे एक तीन ली, तीन के बाद चार तो आएगी नहीं पांच ही आएगा, अब इन दोनों को योग कर लो, तीन प्लस पांच क्या आया आठ आया, और वो कह रहा है कि चार से विभाज्य, तो देखो आठ है वो चार से विभाज्य, चार से विभाज्य है ना। तो एक और लेके देख लेते हैं, एक पांच ले लो और दूसरी पांच के बाद सात आएगा, इन दोनों को जोड़ लो, एक उदाहरण तो हमने ये ले लिया, एक उदाहरण और ले लेते हैं, पांच प्लस सात बारह, और देखो बारह भी चार के पारे से है विभाज्य, दो ही लेनी है आपको और विषम संख्या लेनी है, कौन सी लेनी है विषम संख्या लेनी है, तो विषम संख्या तीन और पांच ले ली, पांच और सात ले ली, और भी आप ले सकते हो सात और नौ लेके भी कर सकते हो ठीक है, और चार से विभाज्य होगी ठीक है। तो आपकी ये हो गया क्वेश्चन नंबर ये। अब आपके क्वेश्चन नंबर नौ है, उसमें ये कह रहा है कि कौन सा आंसर सही है, नीचे विभाज्य चार ऑप्शन दे रखे, चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है वो बताना आपको। तो देखो चार ऑप्शन दे रखे, चौबीस के टुकड़े करेंगे, दो इंटू तीन इंटू चार, और आपको मैंने बता दिया अभाज्य गुणनखंड होते हैं उसके छोटे से छोटे टुकड़े होते हैं, अगर टुकड़े सारे दिए में उसका टुकड़ा नहीं होता वही आंसर होगा इसका। तो देखो दो इंटू तीन इंटू चार दिया हुआ है आपको, पहला ऑप्शन दिया हुआ है दो इंटू तीन इंटू चार, तो देखो चार के तो टुकड़े होते हैं दो इंटू दो, इसका मतलब यह आंसर तो होगा नहीं, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा ऑप्शन देखो एक इंटू सात इंटू दो इंटू दो इंटू दो ये दे रखा है, और एक देर का दो इंटू पांच इंटू सात, तो इसमें वैसे तो क्रम वाइज ही होता है इसका आंसर ठीक है,
तो नवे का बी और सी दोनों सही होंगे। नवे का जो क्वेश्चन नंबर नौ है वो उसका बी और सी सही है। देखो बी में तो टुकड़े किए हैं, एक इंटू सात इंटू दो इंटू दो इंटू दो, ये सही है। इसके और कई टुकड़े नहीं हो सकते। एक का टुकड़ा एक ही रहेगा, सात का टुकड़ा एक ही रहेगा, दो के किए हुए। और ऐसे सत्तर है, दो इंटू पांच इंटू सात सही किए हुए टुकड़े, तो ये दो आंसर इसके सही होंगे। चौपन वाला नहीं होगा क्योंकि नौ आगे, नौ के तो टुकड़े और कर सकते हैं, तो दो आंसर में टुकड़े कम किए हुए और दो के सही है। तो इसका क्वेश्चन में नौ है, क्वेश्चन में नौ का आंसर उसका बी और सी आंसर सही होगा। कौन सा आंसर होगा? बी और सी आंसर आपके बिल्कुल एक्यूरेट सही है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर नौ हो गए। अब इसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दस। बिना बात किए याद कीजिए कि क्या 25,110 संख्या 45 से विभाज्य है क्या, यानी 45 से विभाज्य है या नहीं वो बतानी है। 25,110 संख्या, तो हम अभी बात देखेंगे। देखो 25,110 आपको दे रखी है, ठीक है। अब आपको ये जो संख्या दे रखी है ये 45 से विभाज्य है, ये कुछ है। और आपको मैंने 45 का कोई विभाज्यता का नियम समझाया ही नहीं, तो 45 के टुकड़े कर लेंगे। आपको पता है 45 के टुकड़े होते हैं, 45 के टुकड़े होंगे 5 × 9। क्या टुकड़े हुए? 5 × 9 हो गए। अब आपने 5 × 9 दे दिया, अगर ये वाली संख्या 5 से विभाज्य हो और 9 से भी हो तो ये 45 से विभाज्य होगी। अगर 5 से 9 से नहीं है तो नहीं होगी, 9 से 5 से नहीं। तो देखो 5 के लिए क्या है, पीछे 0 होता है, तो 5 से तो विभाज्य है। यानी आपको पहले पता चल गई ये वाली जो संख्या है जो लिखी है 25,110 है वो 5 से विभाज्य है। तो आप सीधा लिख देना, लिख देना यू 25,110 का इकाई अंक 0 है, अतः यह संख्या 5 से विभाज्य है। ठीक है, 5 से विभाज्य होगी ये वाली संख्या। तो अब आपको आगे क्या है, 9 का देखना है। ये तो 5 वाला किया था हमने, अब 9 का करके देखेंगे। तो 9 के लिए क्या करते हैं, 9 का विभाज्यता का नियम क्या था, संख्या को जोड़ के देख लो। तो जोड़ लो संख्याओं का योग, तो देखो 2 + 5 + 1 + 1 + 0 जोड़ लो, 2 × 5 = 7, 7 + 8 = 9, 9 आ गया। अब देखो 9 आ गया और 9 के बारे में अगर 9 का ही कर रहे हैं हम, ठीक है, तो 9 के बारे में 9 आता है तो फिर 9 आ रहा है तो इसको अपने ये वाली 25,110 आप लिख देंगे। 25,110 संख्या 9 से विभाज्य, तो ये देखो 5 से भी विभाज्य हो गई और 9 से भी होगी। जब दोनों से होगी तो 45 के टुकड़े हमने 5 × 9 किए, तो इसको अपने ये वाली जो संख्या है वो 45 से विभाज्य होगी। तो आप लिख देंगे आंसर 25,110 संख्या 45 से विभाज्य है। क्लियर हुआ? इसका आंसर यह है 25,110 संख्या है वो 45 से विभाज्य है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 10 आपके कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 12 कोई काम के नहीं इतने, ठीक है। तो अपने 10 तक जो समझने वाले थे वो मैंने आपको समझा दिए, 10 तक आपके कंप्लीट हो गए। अब आपके नई एक्सरसाइज है वो आपके हैं 3.6, मैं ऐसे निकालना सिखा रहा हूं, ठीक है। एक तो मैं समझाऊंगा, बाकी आपको होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है। तो अभी आप इसको देख लो। देखो पहला 3.6 प्रश्न आ गया, अब आप स्टार्ट कर रहे हैं। 3.6 में पहला क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित संख्याओं का मैसे ज्ञात कीजिए। मैसे महत्तम समापवर्ती, यानी जैसे आप लघुत्तम लेते थे वैसे मैसे होता है महत्तम समापवर्ती। कैसे निकालते हैं? बिल्कुल आसान तरीका है, अभी आपको मैंने अभाज्य गुणनखंड के तरीके बताए कि कैसे निकालते हैं। पहला जो क्वेश्चन दे रखा वो ये दे रखा कि आपको दे रखा 18 और 48 दिया हुआ,
तो आपको करना क्या है, इसके टुकड़े करने 18 और 48 के। तो यहां टुकड़े ऐसे किए जाएंगे, किस तरह से करेंगे, और आपको मैंने बता दी इस संख्याओं के अंदर आपको अभाज्य गुणनखंड वाली देखनी है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी मैंने बता दी आपको, देखो दो होता है 3, 5, 7, उसके बाद में 11, 13। अभाज्य संख्या जो किसी भी पाड़े में अपने ही पाड़े में आती है उसी का देना है। तो सबसे देखो 18 है तो 2 के पाड़े से जाता है, तो पहले 2 से देते हैं, इसमें क्या है 9 आ गया। अब आपको पता है 9 है वो 3 के पाड़े में आता है, 2 में तो नहीं आता, 3 के पाड़े में आता, तो 3 से दे देंगे। 3 बार बोलने पर भी 3 का दिया 1 आ गया, तो इसके टुकड़े हो गए आपके 18 के 2 × 3 × 3 हो गए। ऐसे हम 24 के 48 के कर लेंगे, तो पीछे क्या है 8 है। अब 2 का बहुत बड़ी संख्या है तो आप 2 का कैसे देखेंगे, तो मैंने आपको बताया था 2 का भाज्य का नियम क्या है, भाज्यता का नियम क्या था कि जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो 2 से घट। तो देखो इसका इकाई अंक 8 है तो 2 का जा सकता है, तो 2 का आप इसमें भाग दे देंगे, तो आपको भाग देना है 2 का, भाग दे के देख लेना मेरे को तो सीधा आता है 2 × 4 और 2 × 8 24 बार जाएगा। फिर 2 का देंगे इसमें पीछे इकाई 4 है तो 2 का ही जाएगा 12 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे 6 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 का देंगे 1 आ जाएगा। तो इसका भाज्य गुणनखंड ये आएगा आपको 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अब आप इसको मैथ से निकालना है, मैथ से को समझो कैसे निकालना है। मैथ से का मतलब होता है जो दोनों में होगी वो संख्या आंसर आएगी, तो उसको गोला लगाना है। देखो ऐसे यहां 2 है तो नीचे भी 2 है, तो आप इसको दोनों को एक ही गोले में बंद कर दो और एक संख्या उतार लो 2। अब देखो ऊपर 3 है लेकिन 2 नहीं है, तो 3 वाला ब्रैकेट बंद होगा, ये 3 है और ये 3 है, और कोई संख्या यहां ऊपर 3 दे रखी है लेकिन नीचे कहीं पे भी टुकड़ा नहीं आया 3 का, तो 3 तो लेंगे नहीं फिर इसका मतलब, तो आपका हो जाएगा 2 × 3 आएगा नीचे आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। तो इसका मैथ से क्या आया 6 आ गया, इसका आंसर क्या आ गया 6 आंसर आया मैथ से इसका, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवाया है, देखो आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब इसका हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, उसमें दे रखा 30 और 42 दे रखा आपको, क्या दे रखा है 30 और 42 का कर रहे हैं। आपको संख्या दे रखी है 30 और 42, बी पार्ट है इसका। ठीक है, तो पहले 30 के टुकड़े कर लो और फिर 42 के कर लेंगे। तो देखो पीछे क्या है 0, और आपको मैंने बताया जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो 2 से जाती है, तो 2 से दे दो, और 2 से देने के लिए मैंने संख्या को आधा ही करना है, 30 का आधा क्या होता है 15। अब देखो 15 आ गया, 15 आपको पता है 2 के पाड़े में तो आता नहीं है, 3 के पाड़े में आता है, तो 3 से दे देंगे 5 बार, फिर 5 और 5 के पाड़े में 1 बार आता। ऐसे हम ये वाली करेंगे, इसका ये देखो 2 है तो 2 है तो 2 से जाएगा 2 × 4 2 × 2 = 21 आ गया। अब जैसे हमने 2 का दिया तो इसका बाहर देने पर 21 आ गया। अब इसका इकाई देखो 1 है तो 2 के पाड़े में तो 1 आता नहीं है, तो फिर 2 से नहीं जाएगा तो 3 ले लेंगे, तो आपको पता है 21 है वो 3 के पाड़े में आता है, ठीक है, तो 3 से दे देंगे 7 बार जाएगा और 7 का देंगे 1 आ जाएगा। तो इसका भाज्य गुणनखंड हो गया आपके 30 के, ये हो गए 30 के हो गए आपके 2 × 3 × 5 और 42 के हो गए 2 × 3 × 7। तो मैं से इसका लेना है महत्तम समापवर्तक, तो जो दोनों में होगी देखो 2 इसमें भी इसमें भी है तो ये एक बंद हो जाएगा ब्रैकेट में और नीचे लिखने 1 2 लिखेंगे। देखो 3 3 इसको भी बंद कर सकते हैं।
अब इसमें पांच है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, जो दोनों में संख्या होगी उसको गोले में बंद करेगी और नहीं होगी उसको नहीं करना आपको। तो ये दो ही संख्या है जो गोले में बंद हो रही है और इसका आंसर आया दो या छह, तो इसका आंसर छह होगा। क्लियर हुआ? तो आप इसको ऐसे अभाज्य गुणनखंड करने थी, ठीक है। अब ये सारे दो वाले ही है, ठीक है, मैं इसका सी पार्ट नहीं करा रहा, मैं डी पार्ट करा रहा हूं इसका, ठीक है। तो देखो इसका डी पार्ट देखिए, सी अपने आप करना है, डी पार्ट में आपको दे रखे 27 63। तो देखो 27 के कर लेंगे और 63 के कर लेंगे। देखो 27 आपको पता है तीन के पारे में आता, दो के पारे में नहीं आता, तो तीन से दे दो, नौ बार जाएगा। अब आपको पता है नौ है वो तीन के पारे में आता, तीन से दे देंगे। ऐसे 63 का करेंगे, सबसे पहले तीन का देंगे, तीन दो नहीं छह, तीन एकम तीन। अब देखो 21 आ गया, और आपने 21 का भी पहले किया ही था, जस्ट पहले वाला क्वेश्चन, तीन के पारे में आता है 21 सात बार बोलने पे, और सात का देंगे तो एक का देंगे। तो इसके टुकड़े हुए 27 के, 3 × 3 × 3, और 63 के टुकड़े हो गए 3 × 3 × 7। तो मैथ से इसका क्या होगा, देखो तीन दोनों में तो एक तीन आ जाएगा, फिर एक तीन दोनों में एक दो तीन आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा नौ। क्या आया? नौ आंसर आ जाएगा मैथ से, ठीक है। तो आज हमने क्वेश्चन 3 पॉइंट एक्सरसाइज है उसके पहले क्वेश्चन में, तो पहला क्वेश्चन जो दे रखा है उसके हमने चार पार्ट कर लिए, एक पार्ट मैंने होमवर्क में दिए, अब आपको इसका ई और एफ पार्ट अपने आप करना, फिर भेज दूंगा एक दो क्वेश्चन और करवा दूंगा मैं इसके, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट कर लेना, ठीक है, और इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मैंने बताया दिया अभाज्य गुणनखंड का ही बात देना है और किसी का नहीं देना, तो विभाज्यता का जो नियम बताया था उसको अच्छी तरह से रट लो कि कौन सी संख्या किससे विभाज्य होगी। तो मैंने तरीका बता दिया आपको, 10 विभाज्य के नियम बताए थे, 2 का 3 का 5 का 7 4 का 8 का, 4 8 का इतना काम नहीं आता, 2 का आता है, 3 का आता है, 5 का आता है और 9 का। ये रूल याद कर लो, बाकी सब अपना बोलो। ये तो अभाज्य गुणनखंड याद कर लो कौन कौन सी होती है, लगातार आप याद कर लो 20 तक की, वो आ रही संख्या से भाग दे देखिए, देख लो अपना पा जाए, भाग सबको आता है देना, सीधा नहीं है तो भाग दे देखिए संख्या लिखते जाओ, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपके आज क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके 4 पार्ट हमने कर लिए, 1-2 पार्ट आपको करना है ई और एफ, ठीक है, बाकी के क्वेश्चन आपको भेज दिए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।